क्यों जीवन मुझे बार बार ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ओर कुल की मर्यादा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा नष्ट हो रही है और दूसरी ओर मेरे पति का अधिकार छिन रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पर समय इतना कम है कि फैसला जल्द से जल्द लेना होगा। पहले ये बताओ बहू, राधिका के मदद के लिए कोई है कि नहीं वहां? वो मेरे देव की बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है, क्या कोई उसकी मदद नहीं करेगा? मैं भी यही सोच रही थी। हमारे पुरखों की कमाई हुई मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगा। आचार्य जी, कृपया करके मुझे वो भृगु शास्त्र दे दीजिए, आपको काना की कसम। ठीक है, मैं देखता हूँ। हे काना, मेरा डर सच हो रहा है, अब मैं क्या करूं? कौन करेगा मेरा मार्गदर्शन? अब मेरा प्रश्न ये है बाबूजी कि एक ओर मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, और दूसरी ओर एक विषैला नाग जो मेरे परिवार को कभी भी डस सकता है, तो क्या उस परिस्थिति में मुझे उस नाग का सम्मान करना चाहिए? पति एवं कुल की रक्षा के लिए यदि प्राण भी त्यागने पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। सावित्री ने तो यम को भी चुनौती दे दी थी, तुम्हारे सम्मुख तो केवल एक नाग है। बाबूजी, हर बार की तरह इस बार भी आपने मेरी उलझन को सुलझा दिया है, अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? कल जब हम सबको इस घर से एक कपड़े में निकलना होगा, जब हम खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे, तब के बारे में सोच रही हूं। ये सारे गहने अपनी माँ के पास भिजवा रही हूँ। मतलब तुम पहले ही मान चुकी हो कि देव की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं मिलेगा? और तुम ये मान रहे हो कि राधिका सबूत ले आएगी? प्लीज विवेक, बी रियलिस्टिक, गिव मी अ ब्रेक। आई मीन, विशाखा इतने वक्त तक इस घर में देव की पत्नी बनकर रही, कभी तो देव ने विशाखा को उस नजर से देखा होगा। ऐसे में विशाखा अगर प्रेग्नेंट थी तो ऑफ कोर्स बच्चा देव का ही है, इसलिए कैसा सबूत और कैसी बेगुनाही? पाप हो चुका है माय डियर, अब तो बस सजा का इंतजार करो। सजा का? अब आपको कोई कष्ट नहीं सहना होगा, कल की सुबह आपके लिए रिहाई लेकर आएगी, कल आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। कैसे? विक्रम मिल गया है और उसने स्वीकार किया है कि विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो उसका था, और वो कल आकर यहां गवाही देगा। पर इसका मतलब क्या कि वही शांतनु है जिसने विक्रम की? देखिए, इस समय आप मुझसे ज्यादा प्रश्न मत पूछिए, आप सिर्फ मुझ पर विश्वास रखिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूं आपके लिए कर रही हूं और अपने परिवार के लिए कर रही हूं। तो बोली, क्या फैसला है आपका? मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो आखिर राम की सीता ने रावण की बात मानी थी? मैं जानता था आपका फैसला यही होगा, बहुत प्यार करती है ना आप देव से। आप जल्द से जल्द विक्रम को फोन कीजिए और उसे यहाँ आने के लिए कहिए कि वो धर्म सभा में आए और अपना बयान दे और वो कहे जो सच है। अब विक्रम वही कहेगा जो आप चाहती है, आप बेफिक्र रहिए, आपका देव आजाद हो जाएगा। राधे।